गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फ्रूट केक बना रही हूँ। मैं केक की रेसिपी इसलिए लेके आई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मोस्टली हमारे जो बर्थडेज हैं वो लॉकडाउन पीरियड में ही आ रहे हैं, तो बाहर का अगर हम प्रेफर नहीं कर रहे हैं खाना तो बर्थडे केक हम घर पे ही बना लें। सो कम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं हाफ कप मिल्क में हाफ टी स्पून विनेगर मिला के इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी। 10 मिनट बाद मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी और इसको मिक्स करूंगी। उसके बाद अब मैं इसमें हाफ कप प्लस 2 टेबलस्पून मैदा डाल रही हूँ, 1/3 कप शुगर, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टी स्पून बेकिंग सोडा और 1 चुटकी नमक। अब मैं इसको अच्छे से सीव करके इसको मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें 1 टीस्पून मिक्स फ्रूट एसेंस डाल रही हूँ। मैं मिक्स फ्रूट फ्लेवर बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें मिक्स फ्रूट एसेंस डाल रही हूँ। अगर आपको वनीला बनाना हो तो आप इसमें वनीला एसेंस या जो फ्लेवर आपको बनाना हो आप वो फ्लेवर इसमें मिक्स करिए। मैंने यहाँ एक पैन को ग्रीस किया है, उसके बाद इसमें मैदा डस्ट कर रही हूँ ताकि हमारा केक आसानी से बाहर आ जाए। इसके बाद मैं इसमें अब केक का बैटर डाल रही हूँ। बैटर को मोल्ड में डालने के बाद हम इसको डैप करेंगे जिससे वो इवनली स्प्रेड हो जाए। अब मैं इसको प्री हीटेड अवन पे 20 मिनट के लिए 180 डिग्री पे बेक करूंगी। केक बेक होने के बाद मैं इसकी कटिंग करूंगी। और मैंने ऐसे सेम 2 केक बनाए हैं क्योंकि ये केक मैं थोड़ा बड़ा बना रही हूँ, और इसकी कटिंग करने के बाद मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। और आधे घंटे बाद हम अब इसके आइसिंग करेंगे। मैंने यहाँ हाफ कप शुगर में हाफ कप पानी मिला के इसका शुगर सिरप बना लिया है और इसको मैं केक के हर लेयर पे डालूंगी और उसके बाद क्रीम से आइसिंग करूंगी। ये सेम प्रोसेस जितनी भी लेयर लगाएंगे हम उसमें ऐसा ही होगा। स्पॉन्ज पे पहले हम शुगर सिरप लगाएंगे और उसके बाद हम आइसिंग की एक लेयर लगाएंगे। अगर आपको इसके बीच में फ्रूट की कोई फिलिंग डालनी है तो वो आप आइसिंग के ऊपर डालेंगे। जैसे मैंने ये आइसिंग करी है, इसके ऊपर आप फ्रूट की एक लेयर लगा के फिर स्पॉन्ज रखिए, फिर आइसिंग करिए। आपको ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू करना है। मैं यहाँ फ्रूट्स नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को ये केक प्लेन ही पसंद है, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर लगाइएगा। मार्केट में मिक्स फ्रूट कॉकटेल अवेलेबल होता है, जनरली हम वो इसके फिलिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारी सारी लेयरिंग हो गई हैं, अब हम इस केक को कवर करेंगे। स्पॉन्ज के ऊपर हम जो शुगर सिरप लगाते हैं वो एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस है क्योंकि उससे जो केक है वो मॉइस्ट होता है और खाने में सॉफ्ट होता है। अगर ये आप नहीं लगाएंगे तो उससे ये ड्राई हो जाएगा। हम व्हिप्ड क्रीम से इस पूरे केक को अच्छे से कवर कर लेंगे। और अगर आपको व्हिप्ड क्रीम बनानी नहीं आती है तो व्हिप्ड क्रीम का मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लेके आऊँगी। इस केक को हमको चारों तरफ से इवन करना है और इसको इवन करने के बाद मैं इसमें चॉकलेट आइसिंग करूँगी। हमारी आइसिंग कंप्लीट हो गई है, अब हम इस केक को केक ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ मैंने 3 पोर्शन चॉकलेट का और 1 पोर्शन क्रीम का लिया है और इसको मैं माइक्रोवेव कर लूँगी। इसके बाद मैं इसको पाइपिंग बैग में डाल के केक को डेकोरेट करूँगी। चॉकलेट को मेल्ट करने के बाद हमें 5 मिनट वेट करना होता है कि ये थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद हम इसकी डेकोरेशन केक पे करते हैं। और चॉकलेट आइसिंग करने से पहले हमें केक को आधे घंटे फ्रिज में रखना होता है, उसके बाद हम इस पर चॉकलेट आइसिंग करते हैं। अब मैं ये पाइपिंग बैग में नोज़ल लगा के
व्हिप्ड क्रीम से डेकोरेट कर रही हूँ केक को। और अगर आपको आइसिंग नोज़ल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए, आपके लिए मैं उसका एक दूसरा वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कौन कौन सी नोज़ल्स हमें यूज़ होती हैं जनरली और हमें उसे कैसे यूज़ करना होता है। ये मैंने स्टार नोज़ल से रोज़ बनाया है। गाइस, हमारा ये केक यहाँ रेडी हो गया है। मैंने इसे अच्छे से डेकोरेट कर दिया है, अब ये बर्थडे के लिए बिल्कुल रेडी है। आप भी ये केक अपने लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के बर्थडे पे बनाइए और इसको एंजॉय करिए। और ऐसे ही मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।